आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम इस वीडियो में आपको बताने चाह रहे हैं हाउ टू गेट रिड ऑफ ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग के कारण क्या है और आप ओवरथिंकिंग से, अननेसेसरी सोच से, बेकार की सोच से कैसे बच सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले तो हमें यह देख लेना चाहिए कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओवरथिंकिंग, कौन से कारण है जिसकी वजह से लोग ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आजकल लोगों पर वर्कलोड जो है बहुत ज्यादा हो गया है। किसी एक जॉब से जीवन को सही से चलाना कठिन होता जा रहा है। अगर आप देखेंगे कि आप एक काम कर रहे हो और उसी से आपका गुजारा हो जाए, आपकी फैमिली कुछ, तो बड़ा मुश्किल हो गया आज के डेट में। एक कार्य पूरा होता नहीं है कि चार कार्य पेंडिंग में लग जाते हैं। अतः आजकल व्यक्ति एक कार्य करते हुए किसी दूसरे के बारे में सोचता रहता है। फिर भी हम आपको कम से कम 15-16 तरीके बताएंगे जिससे आप इससे आउट हो सकते हो, ओवरथिंकिंग से बाहर जा सकते हो। तीसरा कारण क्या है, ऑफिस में मनचाहा पेमेंट किसी को नहीं मिलता है। सोसाइटी में मनचाही इज्जत ना मिल पाने के कारण भी बहुत से लोग ओवरथिंकिंग करने लगते हैं और इसी वजह से वो जो चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिल पाता है। आजकल एक दूसरे से आगे निकल जाने की जो होड़ लगी हुई है, वहाँ पे जो प्रतियोगिता है, वहाँ पे व्यक्ति ओवरथिंकिंग के लिए मजबूर हो जाता है। घर से बाहर और कहीं से मिलने वाला प्रेशर, अधिक कमाने की इच्छा, समय से पहले बड़ी सफलता प्राप्त करने की चाहत, ये सब जो कारण है जिसकी वजह से व्यक्ति जरूरत से अधिक सोचने पर मजबूर हो जाता है। नाउ व्हाट आर द वेज हम इससे बाहर कैसे निकले। नुकसान तो काफी होता है, बहुत सारी बीमारियां लग जाती है, भूख कम लगती है, सिर में दर्द रहता है, रिलेशन खराब होते हैं, छोटी मोटी बातों पे गुस्सा आता है, नकारात्मक सोच आती है। तब भैया इससे निकले कैसे, कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहली चीज है अवेयरनेस। अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ चेंज। ओवरथिंक डजंट साउंड सो बैड ऑन द सर्फेस, थिंकिंग इज गुड राइट, बट ओवर थिंकिंग एंड कैन कॉज प्रॉब्लम्स। सो यू हैव टू बी अवेयर व्हेन यू ओवर थिंक, योर जजमेंट्स गेट क्लाउडी एंड योर स्ट्रेस गेट्स एलिवेटेड, यू स्पेंड टू मच टाइम इन द नेगेटिव, नाउ इट कैन बिकम डिफिकल्ट टू एक्ट। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ध्यान दे कि आप कब सोच रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब सोच रहे हैं आप, किस वक्त सोच रहे हैं। अगर आप किसी समस्या से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि आप उस समस्या को जानें, उस समस्या को समझें। अगर आप ज्यादा सोच रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं और कब सोच रहे हैं, आप किस तरह सोचते हैं और कब अधिक सोच रहे हैं, इस बात पर ध्यान दें। ऐसा करने से आप समझ पाएंगे कि आपको क्या कंट्रोल करने की जरूरत है। दूसरी चीज है सकारात्मक सोच बनाएं। जब आपका दिमाग ज्यादा सोच रहा होता है तो दिमाग में नकारात्मक विचार का आना एक सामान्य सी बात है। तो ऐसे में ये नकारात्मक विचार आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप सोचें जरूर, लेकिन केवल पॉजिटिव चीजें। अपने दिमाग में नकारात्मक विचार ही विकसित नहीं करना है, वो तो करना ही नहीं है। आपको अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक विचार ही विकसित करना है। इससे आपको बाकी चीजों को संभालने में मदद मिलेगी। सेकेंड चीज है डोंट थिंक ऑफ व्हाट कैन गो रॉन्ग। आपको यह सोचना है कि व्हाट कैन गो राइट, यही है पॉजिटिव थिंकिंग। इन मैनी केसेस ओवर थिंकिंग इज कॉज्ड बाई अ सिंगल इमोशन एंड दैट इमोशन इज फियर, डर। When you focus on all the negative things that might happen, it's easy to become paralyzed. Next time you sense that you starting to spiral in that direction, stop. Visualize all the things that can go right and keep those thoughts present and up front. वर्तमान में रहने की आदत डालिए। Living in the present moment.
अधिक सोचने वाला व्यक्ति कभी अपने अतीत के बारे में सोचता रहता है तो कभी अपने भविष्य के बारे में सोचता है। तो इससे बचने के लिए वर्तमान में रहने की आदत डाले। भविष्य तो किसी को पता नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, आप सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, एक्चुअल प्रिडिक्शन तो कोई नहीं कर सकता है। अगर सारे के सारे लोग प्रिडिक्ट कर देते हो फिर सारे के सारे बिल गेट्स हो जाते, मुकेश अंबानी जी हो जाते। तो इंपॉर्टेंट है कि अपने आसपास की घटनाओं पर ध्यान दें और जो कार्य आप कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें, अपना मनपसंद काम करें, डू व्हाट यू लाइक। जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो उस समय आप अपने पसंद के कार्य करो, इसके लिए आप राइटिंग करो, गेम खेलो, स्विमिंग करो, वो अब फिर आपके ऊपर डिपेंड है। तो वहां जो नकारात्मक सोच है वो आप पे हावी नहीं होगी। खुद को आप एक्चुअली में विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त रखिए जो आपको पसंद हो, विभिन्न, जैसे व्यायाम हो गया, खेल हो गया, बातचीत हो गया, वाद विवाद हो गया, पेंटिंग्स हो गया, मेडिटेशन करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन करने से आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। विज्ञान ने भी यह साबित किया है कि मेडिटेशन आपकी दिमागी सेहत के लिए बेहतर होता है। तो अगर आप नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं तो इससे आपके पास से नकारात्मक विचार दूर होते हैं और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए अपने दिमाग को अधिक सोचने से रोकने के लिए मेडिटेशन एक बेहतर विकल्प है, बहुत ही अच्छा विकल्प है। अच्छा सोचने की आदत डालें, डेवलप द हैबिट ऑफ गुड थिंकिंग। आपको अच्छा सोचने की आदत डालनी चाहिए। अच्छा सोचने से नेगेटिव थिंकिंग के लिए हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में जगह ही नहीं रहती है। अच्छा सोचने से मन भी प्रसन्न रहता है और कार्य में भी मन लगता है। अतः अच्छा सोचिए और अच्छा करें। म्यूजिक सुन सकते हैं आप, मेडिटेशन के अलावा म्यूजिक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ओवर थिंकिंग से बचने के लिए। म्यूजिक इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। इससे आप अपने मन को अच्छा और कम सोचने के लिए मोटिवेट कर पाओगे। खाली कभी मत बैठो। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो जब भी आप फ्री बैठे होंगे तो आपके दिमाग में फालतू की बातें आती रहेंगी, आप बहुत अधिक सोचने लगेंगे। तो इससे बचने के लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ जरूर करते रहें। बिजी रहने से फालतू की बातें ज़्यादा अपसेट करती है। डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ इन टू हैप्पीनेस। समटाइम इट्स हेल्पफुल टू हैव अ वे टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ विथ हैप्पी पॉजिटिव एंड हेल्थी ऑल्टरनेटिव्स। उसी में एक मेडिटेशन आता है। ये सारी की सारी उसी के ऑप्शन है। पुट थिंग्स इन टू परस्पेक्टिव। इट्स ऑलवेज ईजी टू मेक थिंग्स बिगर एंड मोर नेगेटिव देन दे नीड टू बी। नेगेटिव तो आप कितना ही बड़ा सोच लो, द नेक्स्ट टाइम यू कैच योर सेल्फ मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, जिसको तिल का पहाड़ कहते हैं ना, नेगेटिव में घुसो तो फिर तो तिल का पहाड़ बन जाएगा। ये फिर दो हिसाब किताब है। नोटिस व्हेन यू आर स्टक इन योर हेड। ओवर थिंकिंग कैन बिकम सच ए हैबिट दैट यू डोंट इवन रिकॉग्नाइज व्हेन यू आर डूइंग। स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू द वे यू थिंक सो यू कैन बिकम अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। When you are replaying events in your mind over and over or worrying about things you cannot control, acknowledge that your thoughts jo hai, that is not productive. So you should avoid those thoughts. Vartaman mein jiye. Guzre hue kal mein to bilkul mat jiye. Apne kaam ki list banaye. Agar aap chahte hain ki aapka dimag faltu baaton se dur rahe तो आपको अपने कामों की लिस्ट मॉर्निंग में ही बना लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि बहुत सारे टास्क एक दिन में हो जाते हैं जिससे आप अपने में पॉजिटिविटी फील करते हो, दूसरा आप बिजी रहते हैं और तीसरा फालतू बातें दिमाग में नहीं आती। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप दूसरे से मदद भी ले सकते हो। उसके बाद कुछ नया सीखें, कुछ नया पढ़ें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सीखना चाहते हो, बस आप कुछ भी सीखिए जो हार्ड हो। इससे आपको टास्कों को करने के लिए फोकस्ड मिलेगा। इस तरह की आदत आपको किसी भी सिचुएशन से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। तो इस तरह से आप ज़्यादा सोचना बंद कर दोगे और लाइफ में कुछ ना कुछ आप सीखते रहोगे।
ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए. कीप द फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग. ड्वेलिंग ऑन योर प्रॉब्लम इजंट हेल्पफुल बट लुकिंग फॉर सॉल्यूशन इज ऑलवेज हेल्पफुल. इफ इट इज समथिंग यू हैव सम कंट्रोल ओवर, कंसिडर हाउ यू कैन प्रिवेंट द प्रॉब्लम और चैलेंज योर सेल्फ टू आइडेंटिफाई 5 पोटेंशियल सॉल्यूशन. आप अपने थॉट को चैलेंज करो, चैलेंज योर थॉट्स. इट इज वेरी इजी टू गेट कैरिड अवे विथ नेगेटिव थॉट्स. सो बिफोर यू कॉन्क्लूड डेट कॉलिंग इज सिक इज गोइंग टू गेट यू फायर्ड और डेट फॉरगेटिंग वन डेडलाइन विल कॉज यू टू बिकम होमलेस, एक्नॉलेज डेट योर थॉट्स मे बी नेगेटिव. ये भी मानो, अपनी गलती भी मानो कि आप बहुत सोच रहे हो, बहुत सोचते हो. किसी भी चीज पर अगर आप कंट्रोल चाहते हो तो सबसे पहले आपको मानना होगा. उसी तरह अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको ये मानना होगा कि आप बहुत सोचते हैं. अगर आप कंफ्यूज हैं कि आप ज्यादा सोचते हैं कि नहीं, तो यहां पर आपको बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल से बताएंगे. क्या आप एक ही थॉट्स को कई बार सोचते हो और आप उस विचार से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको आगे सोचना चाहिए. क्या आपके पास सेम सिचुएशन अलग अलग तरीकों से आती है, तो फिर आपको अलग अलग रिएक्शन देना चाहिए. एंड स्टॉप वेटिंग फॉर परफेक्शन कि मेरे को ये काम परफेक्शन में करना है. दिस इज द बिग वन फॉर ऑल ऑफ अस हु आर वेटिंग फॉर परफेक्शन. वी कांट स्टॉप वेटिंग राइट नाउ. बीइंग एम्बिशियस इज ग्रेट but aiming for perfection is unrealistic, impractical and debilitating. The moment you start thinking this needs to be perfect is the moment you need to remind yourself waiting for perfect is never as smart as making progress. Put a timer to work, give yourself a boundary, set a timer for 5 minutes and give yourself the time to think, worry and analyze. Once the timer goes off, spend 10 minutes with a pen and paper writing down all the things that you're worrying about. तब आपको समझ में आएगा कि अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. कई मामलों में आपने देखा होगा कि आप किसी काम में फंस गए और आप उस काम को ना करने के बजाय आप उस काम के बारे में सोचते रहते हैं, ये काम कैसे होगा, नहीं हुआ तो खैर नहीं है. आपने एक बात नोटिस की होगी कि हमारे मन में उस काम के लिए पॉजिटिविटी आती नहीं है, हम नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचते रहते हैं और अपने सोच में फंस जाते हैं. कभी आपने ये सोचा है कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचते नहीं है बल्कि थिंकिंग करते रहते हैं. बस यही हमको करना नहीं है. जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो उसी टाइम उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए. तो इस तरह से आप अपने सोच पर कंट्रोल कर सकते हो. आप एक्सेप्ट करो अपने अच्छी चीजों को. बी ग्रेटफुल टू पीपल, बी ग्रेटफुल टू योर सेल्फ. यू कांट हैव अ रिग्रेटफुल थॉट एंड अ ग्रेटफुल थॉट एट द सेम टाइम. सो व्हाई नॉट स्पेंड द टाइम पॉजिटिवली. एवरी मॉर्निंग एंड एवरी इवनिंग मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट यू आर ग्रेटफुल टू. शेड्यूल योर टाइम फॉर रिफ्लेक्शन. String on your problems for long periods of time isn't productive, but brief reflection can be helpful. Change the channel. Telling yourself to stop thinking about something will backfire. The more you try to prevent a thought from entering your brain, the more likely it is to keep popping up. Change the channel your brain by changing your activity. That's the best way. किसी से एडवाइस लीजिए आप. एडवाइस लेना हमेशा से ही सभी के लिए बहुत सही रहा है. आप इस बात का ख्याल रखें कि अलग अलग सोचों से एक ही एडवाइस ना लें, अलग अलग लोगों से एक ही सवाल का एडवाइस नहीं लें. ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाओगे और अपने ही सवालों में फंस जाओगे. जब आपको लगे कि आप किसी पर्टिकुलर सवाल या काम में फंस गए हो और आप उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो और फिर भी वो काम या सवाल सॉल्व ना हुए,
तो आपको किसी अपने से या अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोगों से सलाह लेना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने सवालों और थॉट से आज़ाद हो सकते हैं, आपका फ्रेंड आपको अच्छा फील करवाएगा। सो दैट इज द बेस्ट वे टू गेट रिड ऑफ ओवर थिंकिंग। नेगेटिव थॉट से बचने के लिए सबसे अच्छा रास्ता यही है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए, और यदि आपको लगे कि हमारा वीडियो अच्छा है तो भाई हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। और शेयर करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी करेंगे तो अच्छा लगेगा हमको। धन्यवाद।